क्रिकेट की बड़ी खबर है वो ये है कि कल यानी कि थर्सडे तीन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट भरेंगे और ये तीनों फास्ट बॉलर्स हैं, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और एक और नाम ऐड हो गया है नया, वो है शार्दुल ठाकुर का। तीन फास्ट बॉलर्स को बुलाया गया है ऑस्ट्रेलिया, एक मोहम्मद शमी है, एक मोहम्मद सिराज है और एक शार्दुल ठाकुर भी है। उसके अलावा किसी रिजर्व को अब ये कहा गया है कि वहां पर भेजने की जरूरत नहीं है। और शार्दुल ठाकुर का नाम इसलिए आया है क्योंकि दीपक चहर भी चोटिल है और वो भी शायद इस दौर से अब बाहर हो चुके हैं, रिजर्व थे। और आप ये मान सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर को शायद एक रिजर्व फास्ट बॉलर के तौर पर टीम ने चुन लिया है। ये कहा गया है कि श्रेयस अय्यर और बिश्नोई जो दो और रिजर्व थे उनको ऑस्ट्रेलिया भेजने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो टीम मैनेजमेंट ने वहां पर ये क्लियर कर दिया है कि आप जो स्टैंड बाई प्लेयर्स हैं, तीन स्टैंड बाई प्लेयर्स हैं, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहर थे, दीपक चहर को शार्दुल से आपने रिप्लेस कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ शार्दुल को भेजिए, अभी आप श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई की जरूरत नहीं है, आप उनको इंडिया में ही रखें। लेकिन जो बड़ी लड़ाई बुमराह के एक स्लॉट को है लेकर, वो मोस्ट लाइकली मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के बीच ही है। वो भी जानते हैं आप, आपने कल ये भी देखा था कि काफी हद तक फिटनेस दुरुस्त हो चुकी थी कल मोहम्मद शमी की।